हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक एंड एड हब में। तो दोस्तों, ये मेरा वेब डिजाइनिंग का तीसरा वीडियो है, तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं। फिर सबसे पहले तो मैंने आपको कल बताया था, दो वीडियो मैंने बताया था, एक हेडिंग टैग का, एक पैराग्राफ टैग का, देन फिर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स दैट मीन्स कि सोर्स, अल्ट, इमेज, इनपुट टाइप, ये सब मैंने आपको कल बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए, आप यहाँ पे आइए, ब्राउजर पे आइए, ये देखिए HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, राइट। टेक्स्ट जो है ये क्या है, ये एक टेक्स्ट टेक्स्ट है, ठीक है। जो टेक्स्ट है इसको फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्मेटिंग इसके अलग अलग डिजाइन में अलग अलग पैटर्न है कि नहीं, राइट ना। तो आप इसका मतलब समझ रहे ना, HTML कंटेंस सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग विथ टेक्स्ट विथ ए स्पेशल मीनिंग, राइट। तो ये जो मैं आपको फॉर्मेटिंग जो बता रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज बयां करती है जो कि कहीं ना कहीं टेक्स्ट से हटके थोड़ा होता है, राइट। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ एक, तो हाँ गाइज, आप लोग को एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो मैंने कोडिंग किया एंड यहाँ पे मैं जो मैंने कोडिंग किया, तो दोनों में यहाँ पे देख रहे हो कहीं ना कहीं कुछ अलग दिख रहा है आपको ना, दिख रहा है ना। जैसे ये मेरा कहने का मतलब ये कि ये आपको जो है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये आपको बीच सेंटर में दिख रहा है, इधर भी गैप, देन ये सेंटर में दिख रहा है, एंड ये जो है वो क्या है, वो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो ये कैसे हुआ, आपको लग रहा होगा ना कैसे हुआ। तो आप देखो यहाँ पे ये स्टाइल मैंने किया है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि स्टाइलिंग आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको अभी इस पे आप ध्यान मत दो, ये जो स्टाइल लिखा हुआ है इस पे आप ध्यान मत दो, मैंने आपको बस दिखाने के लिए ऐसा किया था और कुछ नहीं, ठीक है। मैं फॉर्मेटिंग की बात करता हूँ, तो फॉर्मेटिंग में सबसे मेरा फर्स्ट है, मैं आता हूँ अपने फर्स्ट पे, एक है बोल्ड है, राइट, एक बोल्ड है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ, दिस इज बोल्ड टैग, राइट, दिस इज बोल्ड टैग, एंड यहाँ पे रिफ्रेश करोगे देखो बोल्ड टैग, बोल्ड में से आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करूँ, जूम करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये मेरा पैराग्राफ का टैग है, एंड देन मेरा ये देखो दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, इसमें एंड इसमें, ये कुछ पतला सा दिख रहा है, ये कुछ मोटा सा दिख रहा है, राइट। तो ये मेरा एक बोल्ड टैग हुआ, ठीक है। मैं ऐसे ही फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ, मेरा कहने का है फिर एक एक स्ट्रॉन्ग टैग है, STRO स्ट्रॉन्ग टैग, एंड मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, दिस इज स्ट्रॉन्ग, राइट, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख दो, नॉट टैग, टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। देन रिफ्रेश, ये आपको एक साथ दिख रहा है ना, दिस इज बोल्ड टैग, दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसा करते ना, हम मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, ये दिख रहा है आपको BR टैग, आप इसे कॉपी कीजिए। BR टैग किस काम काम क्या आती है बताओ, किस काम का आती है बता दो, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है ये BR है, अभी आपको दिख रहे हो दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, लेकिन मैंने BR टैग लगा दिया, यानी कि आप ब्रेक करो, इसके बाद आप मुझे ब्रेक करो, ठीक है। देन आप रिफ्रेश करो, ये देखो दो बार मैंने किया, दो ये नीचे आ गया, देन मैं एक बार करूँगा, सेव करूँगा, कंट्रोल ए सेव, ये देखो इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो मैं दो रखता हूँ ताकि आपको पता चले, एंड रिफ्रेश करो, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। एंड देन फिर मैं आपको चलता हूँ, एक स्मॉल टेक्स्ट आता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, एक स्मॉल टेक्स्ट है, ठीक है, ये गाइस बार बार आ रहा है, ये स्मॉल टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, दिस इज स्मॉल टेक्स्ट, राइट, ये कॉपी करके मैं यहाँ पे दे दूँ ताकि आपको फिर देखो ये दिख रहा है स्मॉल, ठीक है। बस ऐसे ही चार पांच, लगभग 8-10 होंगे, तो मैं एक एक करके सबको बता देता हूँ। एक मार्क टैग होता है, आप यहाँ पे BR टैग दे दो, देन आप एक मार्क टैग दो, मार्क टैग दे दिया,
अब यहाँ पे दे दो दिस इज मार्क टेक्स्ट, ठीक है, ये एक मेरा मार्क टेस्ट है, देखो क्या होता है यहाँ पे। देखो कभी कभी देखते हो वेबसाइट में, अगर आपने कोई वेबसाइट चेक किया होगा तो मेन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो इस तरह से किया हुआ हुआ रहता है ना, पिंक में या ग्रीन में जो जो भी हो, इन कुछ भी हो तो इस टाइप का किया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आप ये दिख रहा है आपको, ये इसके बीच में कंटेंट मुझे डालना है तो क्या करना होगा, मुझे ये मार्क टैग को उठाओ, कंट्रोल सी करो, माने कि HTML के पहले मुझे ये चीज़ें शो करवानी है, राइट, सेव करो एंड रिफ्रेश करो, देखो ये, देन फिर यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। यानी कि इस लाइन में अगर मुझे कुछ कंटेंट्स हाईलाइटेड करवानी है तो मैं लिया के यहाँ मार्क टैग का यूज करूँगा, राइट। तो ये मेरा मार्क टैग हो गया, एंड उसके बाद मैं चलता हूँ सूप एंड सब, ये दो टैग है, ठीक है, सूप, राइट, सॉरी, सूप एंड सब, ये सूप टैग हो गया। मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज सूप टेक्स्ट, ये किस टाइप का है, सूप टेक्स्ट। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये इस जो मार्क मार्क वाला टेक्स्ट जो है, ये सूप टैग जो है क्या है, ये नीचे, ठीक है, ये इसके नीचे रहेगा एंड सब जो है वो ऊपर रहेगा। जैसे मैं करके दिखा दूं, दिस इज सब टेक्स्ट, होता क्या है कि ये देखो आपको ध्यान से देखे दिख रहा होगा, इससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट, सब टेक्स्ट, सब हो गया, सब हो गया, एंड एक मेरा एक डिलीट टैग था, ठीक है, डिलीट टैग एंड एक इटैलिक टैग, राइट। तो मैं यहाँ पे ब्रेक टैग दे दूँ एंड इटैलिक टैग, राइट, इटैलिक टैग, यहाँ पे क्या दे दूँ, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, राइट। मैं सेव करना है, यहाँ पे जाना है, देखो कैसा आ रहा है, ये टैलिक हो गया, ठीक है। एंड एक मेरा लास्ट है डेल टैग, DEL, डेल टैग, ये ऑटोमेटिक लेने के कारण वहाँ पे आ जाएगा, दिस इज डेल टेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो कहीं कहीं देखते होगे वेबसाइट में कि कहीं ना कहीं कुछ जगह जो होती है वो गलतियाँ हो जाती है, ठीक है, या फिर उसको थोड़ा सा कुछ हाईलाइटेड ही करना हो या फिर कुछ गलतियाँ हो जाए ना, तो उसको देखो ये डिलीट टैग करके हम लोग डेल टैग जो है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे कोई हाईलाइटेड करना हो, ये मार्क टैग करना है, ये कर यहाँ पे ये मेरा पूरा पैराग्राफ है, इसके पहले मुझे ये हाईलाइटेड करना है, तो यहाँ पे मार्क टैग का यूज कर दूंगा, ठीक है, बोल्ड टैग यूज कर दूंगा, स्मॉल टैग टेक्स्ट यूज कर लूंगा, जो भी टैग है यहाँ पे सब मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो आप ये देख लो एंड आपको समझ में आए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा, आप यहाँ पे देख के उतार लो या फिर आप ट्राई करो अपने सिस्टम में या डेस्कटॉप में। तब तक कर लिए गाइस, थैंक्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।